हाँ जी किसान भाइयों, विश्वकर्मा दलपा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं करतार एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड अमलोह पंजाब में। और दोस्तों बहुत टाइम से कमेंट आ रहे किसान भाइयों के कि मिनी ट्रैक कमैन जो चैन कवाड़ी कमैन का उसका रिव्यू करो। और दोस्तों आज हम आपको देंगे मिनी ट्रैक कमैन के बारे में जानकारी। और दोस्तों हमारे साथ हैं सुखविंदर सिंह जी जो हमें इस मशीन के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर दोगे इस मशीन के बारे में जानकारी, क्या खास है करतार कमैन इस बार, क्या किसानों के लिए क्या लेकर आई है जी? सर एक्चुअली क्या है कि पहले हिंदुस्तान में जितनी भी ट्रैक कंबाइन सही बाहर से आती थी, जो करतार ने फर्स्ट टाइम इंडिया में ये कंबाइन आज से 12 साल पहले लॉन्च की थी। ठीक है सर। जो इसकी टेक्नोलॉजी है सबसे डिफरेंट है, जिस स्टावा की टेक्नोलॉजी में सबसे पहले करतार एग्रो ने ही इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान में, पहली कंबाइन है सर। ठीक है सर। और इसमें क्या है खासियत ये है कि जैसे हमारी साउथ स्टेट्स हैं, आंध्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला है, बंगाल है, उसके बाद उड़ीसा है, यहाँ पे काफ़ी सारा बारिश ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा जो मेन पैड़ी धान ही लगता है। तो धान में क्या है कि सारा का सारा साल साइकिल धान का ही चलता है। धान में कि पानी खड़ा रहता है तो जो दूसरी आम कंबाइन है टायर वाली है वहाँ पे चल नहीं पाती, तो ये कहीं आसानी से काट लेती है वहाँ पे। जी हमारी चैन वाली है सर। हाँ कहते हैं या क्या कहते हैं? एक्चुअली क्या है जी, रबड़ का ट्राइक है, इसके अंदर स्टील का चेन है और ये ब्रिजस्टोन कंपनी का लगाया जाता है और इसी के साथ ये चलती है। उसके बाद इसमें शोका लेलैंड का इंजन लगा है 76 हॉर्स पावर का। ठीक है सर। तो इसमें ईटन का पंप लगा है, वो सारा ईटन का पंप लगा है इसमें। इसका क्या काम होता है सर वैसे, क्या चीज़? जो इसकी जो ड्राइव है हाइड्रोलिक ड्राइव है। ठीक है सर। हाइड्रोलिक से इसकी जो नीचे मोटर आती है, मोटर से जो अपना करतार ने अपना गेयर बॉक्स इंट्रोड्यूस किया है, और सारा का सारा ये जो इसकी ड्राइव है, जो चेन की ड्राइव है, ये सारी हाइड्रोलिक पे ही चलती है। सर इसके बारे में जानकारी दो कि गियर के बारे में। ये से जब इंजन से पावर हाइड्रोलिक पंप को आती है, पंप से पावर जाती है इसकी मोटर को, मोटर से जो पावर है हाइड्रोलिक पावर को मैकेनिकल में चेंज किया जाता है, तो इसी से ये ट्रैक चलता है। ठीक है सर। और सर मैं स्टार्टिंग आगे पूछना चाहूँगा इसके कटर के बारे में जानकारी चाहूँगा, इसमें कितने फीट का कटर है जो कंपनी दिया गया है और कितने फीट का कस्टमर ले सकता है इसमें? एक्चुअली क्या इसको ज़्यादा बड़ा कटर बार की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मशीन बहुत छोटी है और छोटे छोटे खेतों में चलनी होती है, और जो खेत हैं पूरे लेवल के भी नहीं होते, कोई अप है कोई डाउन है, छोटे छोटे खेत हैं और इजीली ये मूव करनी चाहिए वहाँ पे। इसलिए कोई छोटा कटर बार दिया है कॉम्पैक्ट टाइप, जो 7 फुट भी आता है, 7.25 फुट भी आता है। नंबर दो पे जो उसको जो इसकी ड्राइव है अच्छे हैवल्स आप लगाए जाते हैं, अच्छी कंपनी के बेयरिंग लगाए जाते हैं और हैवी ड्यूटी इसमें सब सामान लगाया जाता है, हैवी ड्यूटी चेन लगाई गई है सर। ठीक है सर। और सर उसके बाद फीडर के बारे में जानकारी दोगे सर इसके में? जो सर इसमें फीडर है, फीडर में हमने 3 चेन लगाई हैं, 3 चेनों के अच्छी कंपनी की डायमंड वगैरह की हम इसमें चेन लगाते हैं ताकि इसको कोई चोक की कोई प्रॉब्लम ना हो। और नंबर दो पे जो इसका थ्रेशर है 31 इंचज़ है, और इसकी जो एफिशिएंसी है, जो स्टार वॉकर है, 4 स्टार वॉकर लगा रहे हैं हम इसमें, और जो पुलिस वगैरह है इसका जाके वेट भी ज़्यादा ना हो, इसलिए हम लोग जो पुली है ये सारी एल्यूमिनियम की लगाई है। ठीक है सर। एल्यूमिनियम की पुली लगी है? एल्यूमिनियम अलॉय की पुली लगी है सर। ठीक है सर। तो जो इसका जो ड्राइव है, जो आमतौर पर आपने देखा होगा कि सारे इस इंट्रोड्यूस इसमें इस कंपनी के अलावा बाकी के सिंगल किश्ती लगाते हैं जिसको हम सी बॉक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, जो सी बॉक्स है इसमें हमने डबल लगाया है ताकि जो धान की सफाई है प्रॉपर हो सके, ताकि इसमें कोई छिलका वगैरह जो और कुछ ना जाए, साफ साफ धान आपको ग्रेन टैंक में मिलेगा सर। सर इसके जो एलिवेटर लगा हुआ है इसके बारे में? जो एलिवेटर की सर जो बॉडी है वो हमने सारी स्टील की लगाई है, जिसके अंदर जो रेल लगती है वो भी सारी स्टील की लगी है, ताकि साउथ में चलती है तो वहाँ पर क्या मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, मॉइस्चर में क्या इसको जंग लगने का ज़्यादा डर लगता है, तो इसलिए हमने जो मैक्सिमम जो वियर टीयर होते हैं पार्ट्स से ये सारे के सारे इसके हमने स्टील के ही लगाए हैं, जैसे कटर बार का बॉटम है, फीडर का बॉटम है, और ये एलिवेटर्स हैं, ये सारे के सारे स्टील के लगाए हैं सर। ठीक है सर। और सर इसके इसमें जो सीटें दी गई हैं और इसके जो एलिवेटर हैं कितने स्टाफ वर्कर में आती है मशीन इसके बारे में? ये स्टाफ वर्कर सर इसमें हमने 4 लगाए हैं। ठीक है सर। ताकि इसकी प्रॉपर सुनाई हो और किसी भी प्रकार का जो चोकिंग फ्री है, इसमें कोई चोक नहीं होता, ना आपका स्टाफ वर्कर चोक होगा, ना इसमें आपका सी बॉक्स चोक होगा, ट्रबल फ्री है सर, टोटली। ठीक है सर। जो इसके सर सीप के बारे जानकारी दोगे सर इसके? सीप का कि एक अपर सीप है और एक लोअर सीप है, दोनों की एडजस्टमेंट रखी है, अगर हल्का हल्का इसको खोल देंगे टाइट कर देंगे इससे इसकी एडजस्टमेंट मूवेबल है सर। ठीक है सर। मतलब जो फील्ड के हिसाब से इसको एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है सर। अगर डिफरेंट फील्ड के लिए डिफरेंट क्वालिटी है चावल की, उसके लिए डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हैं इसके। और इसमें बैटरी अक्सर कौन सा यूज़ करते हैं? बैटरी सर हम लोग सर कंपनी की यूज़ करते हैं, या एक्साइड के या एमरॉन के लगाते हैं। ठीक है सर। कंपनी में जो भी इसमें सामान लगाया गया है, जैसे इंजन है लेलैंड का है, पंप हाइड्रोलिक सिस्टम है सारा का सारा ईटन का है,
उसके बाद बैटरी है एमरॉन की हो गई है, इंजन लेलैंड का हो गया, ईटन का पंप हो गया, और जितनी भी इसकी पुली लगाएं सारी की सारी ग्रेडर स्टील की लगाई जाती है। और उस नंबर दो पे आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी शाफ्टें हैं इसकी सारी की सारी ग्रेडर स्टील की लगाई जाते हैं और टफ एंड हार्ड की जाती है। सर इसमें जो डीजल टैंक दिया गया है, टूल लगे दिए गए, इसके बारे में जानकारी दोगे सर? सर एक्चुअली जब खेत में चलेगी तो कुछ ना कुछ उसमें एडजस्टमेंट करने के लिए या कुछ सेटिंग करने के लिए टूल की जरूरत होती है सर, तो इसलिए कि ऑपरेटर के लिए छोटा टूल बस जरूर देगा। उसके बाद जो खेत में दूर चलती है तो कम से कम एक दिन का या दो दिन का इसमें फ्यूल होना जरूरी है सर, ताकि जब दोबारा दोबारा रिफिल की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमने इसको 200 लीटर की टैंकी भी दी गई है। और इसमें ये लगा हुआ है सर, ये क्या चीज़ है सर? ये सर एक्चुअली क्या है, इसमें जो इंजन है, इंजन में एयर कंप्रेसर लगा है, जो उसकी एयर है ये एयर टैंकी में इकट्ठी हो जाती है। और आपको खेत में चलती है तो डस्ट वगैरह है, धूल है, तो इसके ये इसका जो रेडिएटर चोक हो जाता है। ठीक है सर। रेडिएटर के चोक को साफ़ करने के लिए हमने इसको पाइप लगाते हैं और ईजिली इसको साफ़ कर लेते हैं। इससे क्या है, ऑयल की जो कूलिंग है प्रॉपर होती है और जो इंजन की है वो लाइफ भी बढ़ जाती है सर। और ये सीढ़ी दी गई है सर, इसका इसके ऊपर चढ़ने के लिए? हाँ, सीढ़ी सर ऊपर चढ़ने की, बैठ के अगर उसको रिपेयर वर्क करना हो, चेक करना है, तो इसके लिए सीढ़ी दी गई सर इसमें। ठीक है सर। सर उसके बाद इसमें जो रबड़ी लगी हुई है, इसके बारे में जानकारी दोगे? सर जो इसका जो सीव का सिस्टम है, जो उसकी मैकेनिज्म है, तो उसमें क्या है, हमको रबड़ इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, क्योंकि इसके जो ताकि इसमें थोड़ी कंप्रेशन रहती है ऐसे, उसके लिए इसको रबड़ यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो आपको और इससे बढ़िया एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाकी सभी कंपनियों में जो पेंट्स हैं वो आम पेंट होता है, जो हमारी कंपनी है वो सारा का सारा भट्टी पेंट करती है। दूसरे से इसकी तीन गुना लाइफ ज़्यादा रहती है सर इसकी। एक सर ये सिस्टम दिया गया है, इसके बारे में जानकारी दोगे सर? सर ये जो है इसका फीडर को बॉडी के साथ माउंट करने के लिए ये फीडर ब्रैकेट दी गई है, तो एक और ईजिली मूवमेंट भी मिल जाती है इसको और इसकी फिटमेंट भी हो सकती है सर। ठीक है सर। और इसमें जो लाइटें वगैरह दी हुई हैं सर, इसके आगे सेफ के बारे में? हाँ सर, एक्चुअली इसने सड़क पे तो चलना नहीं है, चलना तो इसने खेत में ही है, अगर फिर भी खेत में थोड़ी बहुत जरूर पड़ती है, अगर थोड़ा जा रात को तो नहीं चलती है सर, तो इसके लिए इसको लाइट सिस्टम जरूर देना जरूरी है सर। और इसमें सर लीवर लगाए हुए हैं, इसके बारे में पूरा जानकारी? हाँ, इसको सर स्टेयरिंग नहीं लगता, क्योंकि इसका जो मूवमेंट है सारा का सारा आगे कुछ लेके आना, राइट लेके आना, लेफ्ट लेके आना, वो सारा का सारा इसका हाइड्रोलिक पे है, जो इसके दो लीवर लगे हैं ये वाले, ये लीवर पे आगे को मूव करे, लीवर से कंट्रोल होता है सर इसका, और उसको ना ही उसको क्लच लगा है, ना ही उसको ब्रेक लगे सर। ठीक है सर। लीवर की मूवमेंट से ही इसको रोकना है, इसे लीवर की मूवमेंट से इसको चलाना है। ठीक है सर। सर अगर किसान भाई ने ये मशीन लेनी हो, कतार 3500 जी आवश्यक मैन, तो कैसे ले सकता है? सर जैसे भी, अगर हमारा वेबसाइट भी खुली है, हमारा जगह जगह भी डीलरशिप भी है, और हर पूरा का पूरा हमारा सिस्टम बना है, अगर जैसे भी है, चाहे डीलर के थ्रू ले लें या कंपनी आओ, हमारी मार्केटिंग टीम बैठी है, अच्छी टीम है, उसके साथ बातचीत करो। और अपने मशीन सर एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, एक किसान भाई जी पूछना चाहते हैं भी, क्या इस मशीन पे सब्सिडी वगैरह जो मिल जाती है सर? सर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी जो सब्सिडी आती है, डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट अपनी सब्सिडीज आती है। हाँ जी, किसान भाई को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपने कोई भी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट लेना है तो थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए। मैं ज़रूरी नहीं कहूँगा कि आप आँखें बंद करके ले लो, बहुत कमाईने आ रही हैं, इंपोर्टेड भी आ रही हैं, हमारे इंडियन मेड भी हैं, मगर जो इंडिया मेड का आपको कल को कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं होगा और ना ही आपको कोई धोखाधड़ी होगी। ठीक है सर। ओके दोस्तों, जे थे सुखविंदर सिंह जी, जिन्होंने हमें ट्रैक मैन के बारे में जानकारी दी। दोस्तों अगर आप भी ट्रैक मैन लेना चाहते हो तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप इनसे संपर्क करके ट्रैक मैन को ले सकते हैं। किसान भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और नई आ रही मशीनों की जानकारी के लिए विश्वकर्मा दलप्पा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।